अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर नांडला और अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इस ग्रुप की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी बात हो रही है डिफरेंट लोगों से, तो मोस्ट कॉमन जो चीज़ देखी है वो ये है कि वो हम लोग इस चीज़ को कुछ सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था, एक तो हमें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। आपके सामने है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर में इंफॉर्मेशन की भरमार है, तो एक तो ये मकसद है कि आप यहाँ पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, क्योर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। प्लेटफॉर्म पे जब चीज़ सबको मिलेगी तो वो ऑथेंटिक होगी। यहाँ से हम जो चीज़ कॉपी करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, बजाय इसके कि लोग अपने तौर पर शेयर करते जा रहे हैं। जैसे आज ही हमने यूनिसेफ की एक जो यूनिसेफ की बनाकर बातें शेयर की जा रही थी वो एक्चुअली उसकी बातें नहीं थी, फेक थी, तो हमें इस प्लेटफॉर्म से पता चला। दूसरा जो सबसे मेन मकसद है इस ग्रुप का और इसका नाम रखने का भी ये मकसद था कि COVID-19 टास्क फोर्स पाकिस्तान। एक्चुअली व्हाट डू आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो बनने जा रहा है, अल्लाह ना करे, अगेन